ओमनी कार्टिंग का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला रहा। उसके मल्टीपल फैक्टर्स थे, क्योंकि ट्रैक बहुत अच्छा था, गाइडेंस भी इन लोगों ने हमें प्रॉपर दी थी, एंड इट वॉज सच अ फन। अगर आप कराची में ओमनी कार्टिंग करना चाहते हैं तो आप इस जगह पर लाजमी आएँ, बिकॉज इट्स अ वर्थ इट प्लेस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और इसमें मैं आपको कराची की बहुत ही अमेजिंग जगह के बारे में बताऊंगी। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली सब वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें और नोटिफिकेशन भी आते रहें। इस वीकेंड पर हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना कुछ एक्साइटिंग किया जाए, तो इसके लिए हमें कुछ फीडबैक्स मिले थे बहुत से लोगों के एक जगह के बारे में, जिसके मैं आज विज़िट कराऊंगी कि क्यों ना ओमनी कार्टिंग को ट्राई किया जाए। सो वी मेड अ प्लान टू गो देयर, क्योंकि इसके बारे में हमें रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे मिल रहे थे और हम ख़ुद भी इसे करना चाहते थे। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ की लोकेशन के बारे में, यहाँ पे बुकिंग डिटेल्स के बारे में और स्पेसिफिकेशन सब चीज़ों के बारे में गाइड करूँगी, एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फन, प्लीज़ वॉच इट टिल एंड। ओमनी कार्टिंग के लिए अगर आपको कराची में कोई बहुत ही अच्छे ऑप्शन चाहिए तो यू शुड कम टू दिस प्लेस। दे हैव अ गुड पार्किंग फैसिलिटी, गाइडेंस इनकी बहुत अच्छी है, ट्रैक प्रॉपर इनलाइटेंड है और आपको थ्रू एंड थ्रू गाइड करते हैं। प्लस दे हैव अ गुड सेफ्टी मेजर्स, ये आपको इंजॉय कराने के साथ साथ सेफ्टी की भी प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और उसका भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे हम ओमनी कार्टिंग सर्किट में एंटर हो चुके हैं। अगर आपको कराची में कहीं बेस्ट ओमनी कार्टिंग एंजॉय करनी है तो यू शुड कम टू एयरमैन गोल्फ क्लब कुरंगी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन कराची। ये सामने इनका टिकट्स लेने का रूम बना हुआ है और यहाँ पे आप रिजर्वेशंस भी करवा सकते हैं, ऑफिस भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रीफिंग रूम भी है, जहाँ पे आपको ट्रैक करने से पहले प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, टर्न्स और ट्रैक्स, उस सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो है फूड की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। एक छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ है जिसका मेन्यू भी ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर वीडियो में। यहाँ से आप जो भी चूज़ करना चाहें, फास्ट फूड लेना चाहें, ड्रिंक्स लेना चाहें, ऑन ए लाइटर नोट आप यहाँ पे कुछ भी लेके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अब कार्टिंग सर्किट की तरफ मूव कर रहे हैं, बट कार्टिंग सर्किट से पहले एक स्मॉल सिटिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पे टेबल्स चेयर्स हैं और अगर आप दिन में आ रहे हैं तो आपके लिए अम्ब्रेलास भी मौजूद हैं। यहाँ पे बैठ के या तो कार्टिंग सर्किट से पहले या बाद में आप जो है आराम से कुछ खाना वगैरह खा सकते हैं लाइट सा, या चिल कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी इफ़ यू आर नॉट डूइंग कार्टिंग इन द ट्रैक्स तो आप वैसे भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। सो इट्स सच अ गुड प्लेस। हम लोग यहाँ पे कुछ देर बैठे थे, हम लोगों ने जरा सीन शीन एंजॉय किया था, देन वी मूव टुवर्ड्स द सर्किट। ये ओमनी कार्टिंग सर्किट का एक मिनी मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। इसका मेन पर्पज़ ये है कि आप इसे देख के प्रॉपर पूरे सर्किट का अंदाज़ा लगा लें और किस तरह से ट्रैक है, यहाँ पे टर्न्स किस जगह पे हैं, उसके अलावा बुकिंग ऑफिस के बारे में, पार्किंग के बारे में और हर चीज़ के बारे में आप यहाँ से आराम से एक सिंगल व्यू के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इट वॉज़ लाइक ए गुड थिंग फॉर द गाइडेंस, और बना भी बहुत अच्छा और प्यारा और क्यूट सा हुआ था ये नीट सा करके, और ये भी इनलाइटेंड था जस्ट लाइक द ट्रैक्स दे हैव मेड। यहाँ पे इन लोगों ने एक स्टेज बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रेसिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसके लिए जो लोग विन कर रहे हैं, पोजीशंस आ रही हैं, उसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कार्ट्स खड़ी हैं डिफरेंट तरह की, ट्रैक से पहले आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो जो असाइन हो रही होती हैं वो लोग आते हैं और अपनी कार्ट्स में बैठते जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सीट बेल्ट की फैसिलिटी है, हेलमेट्स प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है अलॉन्ग विद द फन। रेसिंग का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, बिकॉज ट्रैक्स जो थे वो प्रॉपर इनलाइटेंड थे, कार्ट्स बहुत अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, उसके अलावा ट्रैक्स पे गाइडेंस थी, फ्लैग्स थे डिफरेंट कलर्स के जो डिफरेंट कंडीशंस पे वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आना चाहते हैं और आप प्राइस के बारे में क्यूरियस हैं तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन आपको देती जाऊँ कि 15 लूप्स के लिए, जो कि प्राइस फॉर 15 लूप्स ऑफ कम्प्लीट ट्रैक जो है वो 5,000 है पर पर्सन। इसके अलावा अगर आप ग्रुप
में आते हैं, लाइक इफ़ यू आर कमिंग इन ए ग्रुप ऑफ 5 और द 10 पर्सन देन आपको कुछ उस पर डिस्काउंट मिलता है. सो प्लीज़ कम टू दिस प्लेस एंड एंजॉय दिस. इन्वायरमेंट वॉज सो गुड और हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया. अगर आप कार्टिंग के शौकीन हैं और गो कार्टिंग करना चाहते हैं तो कराची में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस जहाँ पे आप आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे तो इट्स सो मच फन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.